नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। बिग बॉस में इस वक्त नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसका नाम है टिकट टू फिनाले। जी हां, फिनाले के लिए बिग बॉस के घर में टास्क चल रहा है, जिसके तहत घर वाले घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे और इस प्रक्रिया के तहत रणनीति बनना भी शुरू हो गई है। हालांकि लगता है कि रणनीति किसी काम नहीं आई है। दरअसल टिकट टू फिनाले टास्क के तहत 3 सदस्य नॉमिनेट हो चुके हैं और उनमें सबसे पहले नाम है सोमी खान का। जी हाँ, सोमी खान नॉमिनेट हो चुकी है। हालांकि सोमी खान ने दीपक ठाकुर, रोमिल चौधरी और करणवीर बोहरा से हाथ मिलाया था, लेकिन लगता है कि रणनीति किसी काम नहीं आई और सोमी खान नॉमिनेट हो गई। हैरानी की बात यह है कि सोमी खान को दीपक ठाकुर और रोमिल चौधरी ने भी नॉमिनेट किया है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि दीपक ठाकुर और रोमिल को रोमिल या सोमी में से किसी एक नाम को चुनना था, जिसके तहत रोमिल चौधरी और दीपक ठाकुर ने सोमी खान की फोटो जला दी, जिसके बाद सोमी खान लगातार 3 बार टारगेट हुई और वो नॉमिनेट हो गई। जबकि दूसरा नाम है रोमिल चौधरी। जी हाँ, रोमिल चौधरी भी नॉमिनेशन से नहीं बच पाए हैं। इस बार नॉमिनेशन में रोमिल चौधरी का भी नाम है। हालांकि रोमिल चौधरी, सोमी खान ने काफी रणनीति बनाई थी, एक दूसरे को प्रॉमिस भी किया था कि वो एक दूसरे की फोटो नहीं जलाएंगे, लेकिन लगता है कि रणनीति काम नहीं आई, इनका दांव इन पर ही उल्टा पड़ गया। जबकि तीसरा नाम है करणवीर बोहरा। आपको ये भी बता दें कि इस टीम में करणवीर बोहरा भी थे। सोमी खान, रोमिल चौधरी, करणवीर बोहरा और दीपक ठाकुर ने टास्क से पहले ये रणनीति बनाई थी कि वो श्रीसंत, दीपिका और सुरभि को नॉमिनेट करेंगे और अपनी टीम में से किसी का नाम नहीं लेंगे। ये लोग लगातार टास्क में बने रहे और किसी और को फायर बस में नहीं बैठने दिया, लेकिन ये चाल इनकी किसी काम नहीं आई। बिग बॉस की रणनीति के आगे इनके सभी दांव उल्टे पड़ गए। बहरहाल आज फिर से टास्क होने वाला है, देखना होगा इन तीनों के अलावा और कौन नॉमिनेट होता है। वैसे ये तीनों बड़े नाम हैं, सोमी खान, रोमिल चौधरी और करणवीर बोहरा वो नाम हैं जो गेम में शुरू से बने हुए हैं। लिहाजा कोई भी लास्ट समय में गेम से जाता है तो जाहिर तौर पर ये उसके लिए काफी दुख भरा होगा। वैसे इस वक्त सभी गेम खेलने लगे हैं, अब तक ये सभी दोस्ती निभा रहे थे, लेकिन अब बात फिनाले की है, लिहाजा इन्हें दोस्तों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेलना होगा। बहरहाल नजरें तो आज पर भी टिकी रहेंगी, देखना होगा आज घर से बेघर होने के लिए कौन नॉमिनेट होता है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।